कुछ दिन पहले एक फिल्म आया था मिशन रानीगंज, जो कि ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। और ऐसी एक वेब सीरीज आया है जो कि भोपाल के गैस इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है, जहाँ पर एक रात में 15,000 से भी ज्यादा लोगों का मौत हो गया था। और उसी को लेके एक वेब सीरीज आया है द रेलवे मैन, जिसमें 4 एपिसोड है। एक एक एपिसोड करीबन 50 से 60 मिनट के आसपास है। तो क्या है फिल्म का स्टोरी लाइन और कैसे लगा हमको ये वेब सीरीज, आइए बात करते। नमस्कार, मैं हूँ शोविक, आप देख रहे हैं फिल्म टीवी हिंदी। बात है साल 1984 की, जब भोपाल में हुआ था ये इंसिडेंट। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से हो गया था गैस लीक और इसी के कारण हो गया था एक रात में 15,000 से भी ज्यादा लोगों का मौत, जिसके ऊपर ये वेब सीरीज बनाया गया है। देखिए, इस सीरीज में जो मेन किरदार है वो है के मनोन, जो कि एक स्टेशन मास्टर का भूमिका निभाया यहाँ पर। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा मुन्ना भाई, जो कि यहाँ पर एक चोर का भूमिका निभाया है, लेकिन उसका कैरेक्टर में भरपूर ट्विस्ट दिखाया गया है, जो कि इस फिल्म में उनका नाम है बैंडेड। और जो है इस फिल्म में वो है इरफान खान के लड़का बाबली खान, जो कि एक लोको पायलट का भूमिका निभाया है। मेरा नाम है माद्रियाज है। पहला दिन है आज तेरा, रेलवे में नौकरी ऐसे मिल जाती है क्या किसी को? अब बात कर लेते हैं फिल्म का स्टोरी लाइन को लेके। फिल्म का शुरुआती होता है भोपाल शहर से, जहाँ पर के मनोन साहब एक स्टेशन मास्टर का भूमिका पालन किए हैं। तो वहाँ पर के मनोन साहब को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उनका लड़के से बात करता रहता है। वो लड़का दूसरा किसी कंपनी में काम करना चाहता है, लेकिन उसका पिताजी यानी के मनोन साहब उसको रेलवे में भर्ती करना चाहता है। तो ये बातचीत खत्म होने के बाद विनय जी पहुंच जाते हैं अपने स्टेशन भोपाल पे, जहाँ पे जाके वो काम करता रहता है। और तभी टीवी पे न्यूज आता है एक साथी चोर बहुत जगह से चोरी करके अब वो फरार है, जिसकी तलाश पिछले 13 वर्षों से जारी है। 27 डकैती के मामले में शामिल द एक्सप्रेस बैंडिट। हाँ, ये मुन्ना भाई है जिसने बैंडिट का रोल प्ले किया है यहाँ पर। जलवा है हमारा। लेकिन फिल्म खत्म होते होते आपको इस कैरेक्टर के ऊपर भरोसा आ जाएगा, क्योंकि बंदा इतने ज्यादा चोरी करने के बाद उसको खबर मिला था कि भोपाल में करोड़ों का माल आया है और उसको चोरी करने के लिए भोपाल स्टेशन आता है। लेकिन तभी हो जाता है एक कांड। भोपाल स्टेशन के बाजू में एक फैक्ट्री था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जहाँ पर खतरनाक गैस बनता था और उस गैस का नाम है MIC गैस। अगर ये गैस पानी के स्पर्श में आ जाता है तो ये गैस ब्लास्ट कर सकता है, यानी कि ये गैस चंद मिनटों में पूरा शहर को शमशान बना सकता है। और उस दिन यही हुआ था भोपाल में। इस वक्त भोपाल जंक्शन रेलवे के नक्शे से गायब हो चुका है। उस कंपनी में एक वर्कर के कारण पूरा शहर शमशान बन गया था। और इसी में के मनोन, दिपेंदु, आर मधुबन जी और बाबली खान ने कैसे मदद करके लोगों को बचाया था वो दिखाया जाएगा इस वेब सीरीज में। एक चोर चोरी करने के लिए आया था, उसने कैसे इंसानियत के खातिर लोगों को जान बचाया था, अपना जान दांव पे लगा के, ये दिखाया जाएगा इस सीरीज में। एक लोको पायलट अपना काम के पहला दिन ही आके हजारों लोगों का जान बचाया था। और भाई साहब आर मधुबन, जिसका डायलॉग इस फिल्म को 4 चांद लगा दिए। भोपाल वालों को अकेले नहीं छोड़ पाऊंगा, ऐसे में दूसरों की मदद करने कोई मूर्ख ही जाएगा या फिर कोई अपना। उसने इतना इंस्पिरेशन डायलॉग बोला कि हमारा रूम पे खड़ा हो गया था। तो देखिए, फिल्म का स्टोरी तो ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस वेब सीरीज को थोड़ा फिक्शनल बना के, थोड़ा ड्रामेटिक दिखा के बहुत ही लाजवाब बनाया है डायरेक्टर साहब ने। और ऐसे जो रेस्क्यू मूवी भी आ रहा है, इसके बारे में हम सब जान भी पा रहे हैं, जैसे कि पहले मिशन रानीगंज, उसके बाद द रेलवे मैन। अगर ये सब मूवी नहीं आता तो हमको पता ही नहीं लगता ऐसा इंसिडेंट भी हुआ हमारे इंडिया में। तो आपको अगर ये वेब सीरीज देखना है तो जाओ नेटफ्लिक्स में जाओ, देख लो यार। अभी हम हमारा ओपिनियन बता देते हैं। सबसे पहले तो तारीफ करना चाहूंगा के मनोन साहब का, उसने जो एक्टिंग किया है उफ लाजवाब। उन्होंने भले ही बड़े पर्दे में काम नहीं किया, लेकिन जितना भी वेब सीरीज किया है लाजवाब। उनका तो सबसे ज्यादा पसंदीदा वेब सीरीज मेरा एक स्पेशल ऑफ, लेकिन आपको कौन सा वेब सीरीज उनका पसंद है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर फिल्म का स्टोरी लाइन की बात करें तो आपको बताई दिए, और ये स्टोरी लाइन ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये भी आप जानते, और उसी को एक अच्छे तरीके से फिक्शनल वे में प्रेजेंट किया है डायरेक्टर साहब ने। व्हाट डज दिस गैस डू? इट्स नॉट लीथल सर, That's the company line. हाँ, यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूंगा, इस वेब सीरीज में कुछ कुछ सीन्स ऐसे भी दिखाए गए जिसको देखने के बाद आपको खराब लग सकता है। मतलब इतने दर्दनाक मौत दिखाया गया है जिसको देख के आपको खराब लग सकता है। तो इसीलिए बताना चाहूंगा, अगर कोई बच्चे वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो मत देखे, 16 या 18 साल के ऊपर है तो जरूर देख सकते हैं। अब फिल्म तो ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो उस समय का जो फोटो लिया गया था, जो बचाया था लोग, उन लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो कुल मिला के ये सीरीज फिर से के मिलन का एक अच्छा वेब सीरीज बन गया है। मतलब फिल्म का
कास्टिंग इतना जबरदस्त है कि भले ही ये फिल्म ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसका हाइप बहुत ही ऊपर लेके गया कास्टिंग ने। तो ये था हमारा ओपिनियन, आप भी सीरीज देखे और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।